पराली जलाने की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चार किसानों के बाद अब तीन किसानों पर मामला दर्ज किया गया है। भारत सरकार द्वारा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के बाद कई किसानों के ऊपर पराली जलाने को लेकर मामले पंजीकृत किए गए, साथ ही जुर्माना भी किया गया। लखनऊ राजधानी से सटे बाराबंकी जिले में पराली जलाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के डीएम डॉक्टर राधर सिंह एवं सीडीओ मेधा रूपम द्वारा लगातार किसानों से अनुरोध किया जा रहा है पराली खेतों में न जलाएं, लेकिन पराली जलाने के मामले जिले में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नवबारा समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश से जितेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी बाराबंकी आज अपने कृषक भाइयों से एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय धान का कटाई का समय आ चुका है और पूरे जनपद में जगह जगह पर सभी खेतों में आने वाले दिनों में कटाई आरंभ की जाएगी। कई कुछ जगहों पर कटाई हो भी चुकी है। इस संबंध में आप सब जानते हैं कि बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इस पर समय समय पर बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। शासन द्वारा भी, सरकार द्वारा भी इसमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अवस्था में पराली को जलाया ना जाए। इसमें ये भी निर्देश दिए गए थे कि जहाँ जहाँ पे हार्वेस्टरों का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे ऐसी मशीनें हों जिनमें रीपर भी साथ में लगा हो, ताकि जो पराली है वो उसका अवशेष बहुत ही कम बचे और उसे जलाने की कोई आवश्यकता ना पड़े। लेकिन किसी भी स्थिति में, चाहे वो हाथ से भी अगर हम लोग फसल को काट रहे हैं या फिर कटाई कर रहे हैं या फिर किसी भी अगर हम मशीन का प्रयोग कर रहे हैं और अगर पराली बचती भी है, तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी अवस्था में उसे जलाया ना जाए। उस पराली को हम एकत्रित करके अपने संबंधित सचिव या लेखपाल से संपर्क करें और उसे नज़दीकी गौ आश्रय स्थल तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे जो निराश्रित गौवंश हैं उनके लिए ये चारे के रूप में प्रयोग किया जा सके, या आप स्वयं भी अपने गौवंशों के लिए चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि अगर हमें कहीं भी दिखता है या पाया जाता है, और आजकल ये सारी चीज़ें छुपती नहीं है क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से ये पता चल जाता है कि कौन से खेत में किसने पराली जलाई है, और बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, FIR भी होगी, जुर्माना भी होगा, वसूली की कार्रवाई भी होगी और सारी कार्रवाई होगी, तो उससे बचा जाए और किसी भी अवस्था में पराली ना जलाया जाए। ये मैं अनुरोध अपने सभी कृषक भाइयों से आज करना चाहता हूँ। धन्यवाद। ओके मैम, सभी को नमस्कार। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप कहीं पर भी पराली न जलाएं, क्योंकि NGT एवं सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि पराली जलाने की घटना में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। खेत की बात है कि बाराबंकी में कल एक घटना हुई, सैटेलाइट इमेजिंग से इसकी चेकिंग करी जाती है। एक घटना हुई, कल एक FIR दर्ज हुई है। आज बाराबंकी में तीन घटनाएं हुई पराली जलाने की, तीनों पे आज FIR करी गई है, मिला के चार FIR हो चुकी हैं। पराली जलाने पर जुर्माना भी है, 5,000 से लेकर 15,000 तक जुर्माना किया जा सकता है। और इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आगे भी अगर पराली जलाई जाएगी तो विवश होकर हम लोग को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसको ध्यान में रखें। चाहे तो आप लोग जो सरकार 80% अनुदान पे यंत्र देता है उससे आप पराली काटें, चाहे तो पराली को वापस ज़मीन में मिलाएं, या फिर हमारे गौ आश्रय स्थलों में दान करें, मगर किसी भी हालत में आप पराली को जलाएं नहीं। साथ में हमारे 7 ग्राम सभाएं हैं एवं फार्म मशीनरी बैंक है, जहाँ पे यंत्र जो है, जो पराली काटने वाले यंत्र हैं, ये आप किराए पे ले सकते हैं, तो उनका उपयोग करें और किसी भी हालत में पराली न जलाएं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।